अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ नोमाना लोधी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। माय टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट योर मिड सेमेस्टर एग्जाम्स एंड द पैटर्न ऑफ द पेपर, स्पेशली पेपर ऑफ इंग्लिश वन। जी, आज आप लोगों की काफ़ी कंसर्न्स हैं सेमेस्टर के बारे में भी और इंग्लिश के एग्ज़ाम्स के बारे में। तो आज का लेक्चर जो है वो मैंने इसीलिए जो ये प्रिपेयर किया है ताकि आपसे डिस्कस हो जाए, आपको मिड सेमेस्टर के बारे में कुछ आइडिया हो जाए। एक्चुअली द थिंग इज़ दैट यू आर द प्रोडक्ट ऑफ द एनुअल सिस्टम। अब तक आप अपनी पूरी ज़िंदगी में एनुअल सिस्टम के तहत ही स्टडीज़ करते रहे हैं और एग्ज़ाम्स देते रहे हैं, और उसमें फुल ईयर जो है वो आपने होम एग्ज़ाम्स अपने स्कूल्स कॉलेजेस में तो देने होते थे, टेस्ट वगैरह, लास्ट टेस्ट। तो लेकिन सेमेस्टर जो है वो क्या है, सेमेस्टर सिस्टम में ये बात अपने माइंड में रखें कि इसमें आपने कभी भी आप रिलैक्स नहीं होंगे, हमेशा आपको कुछ ना कुछ करना होगा। तो उसमें आपने इतने बिजी रहना है और टाइम इतनी क्विकली गुजर जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी सोच रहे होते हैं कि स्टडीज़ करने का, लाइक एनुअल सिस्टम में कि आपने एक पूरा साल है और होम एग्ज़ाम्स जो हैं उसका तो खैर जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि वो कितना कंसर्न्ड और सीरियस होता है स्टडीज़ में। लेकिन जब सेमेस्टर सिस्टम में आ जाते हैं तो फिर आपके पास बहुत सा टाइम नहीं होता, आपको साथ साथ चीज़ों को ले के चलना होता है। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस थी, अगर आप कॉलेज में होते तो अब तक हम आपको असाइनमेंट्स दे देते, कोई क्विज हो जाता, प्रेजेंटेशन हो जाती या क्लास डिस्कशन हो जाती, क्योंकि इनको भी देखा जाएगा इसमें ये सारे, और 10 मार्क्स जो है इन सब चीज़ों के भी होंगे हर सेमेस्टर में। तो ये जो आपका सेमेस्टर अब ADP का है, ये IUB ने, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने इसको 1 दिसंबर से स्टार्ट किया है, और 8 वीक्स जो है, एटलीस्ट 8 वीक्स उन्होंने कहा था कि मिड टर्म जो है वो हो जाएगी 8 वीक्स के लिए, और 1 दिसंबर से लेके मार्च के एंड तक ये चलेगा, 1st सेमेस्टर ऑफ एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। तो उसमें 4 मंथ्स में से जो 2 मंथ्स हैं वो होता है सेमेस्टर का मिड आता है, तो मिड के लिए 8 वीक्स उन्होंने रिज़र्व किए हैं। 1 दिसंबर से आप देख लें कि 31 जनवरी तक 8 वीक्स बन रहे हैं, और उसमें 7 वीक्स की आपकी क्लासेस हैं, आपके कोर्सेज, आपने कोर्सेज अपने कंप्लीट करने हैं उसमें से जो टॉपिक्स साइन किए गए हैं, और जो लास्ट वीक होगा यानी जनवरी का लास्ट वीक, वो आपका जो है वो मिड के लिए, मिड के एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो रिज़र्व किया गया है। और अब आप लोगों को अपने कोर्सेज के बारे में तो पता चल गया होगा, अब तक तो क्लियर हो गया होगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो चूज़ किए हैं। उसमें मैं आपको कंपलसरी सब्जेक्ट्स बता देती हूँ, इंग्लिश 1 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो हैं ये 2 सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं, और जो 3rd सब्जेक्ट है वो मैथ्स और स्टैट्स में से आपने एक चूज़ करना था, वो भी आपने कर लिया होगा, और द रेस्ट ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स दे आर ऑप्शनल, यानी टोटल आपने 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो, या 6 कोर्सेज, अब आप सब्जेक्ट्स नहीं कहेंगे, सेमेस्टर में होता है कोर्स ऑफ स्टडीज़, अब आपने बुक्स भी नहीं कहना, इसलिए कि कोई एक बुक नहीं है, उन्होंने रेफरेंस बुक्स दी हुई हैं, तो और वो भी हमें नेट पे तलाश करनी पड़ रही हैं, तो आपको इसलिए बुक्स के अभी तक नेम नहीं बताए क्योंकि वो आप उसमें से हमें कुछ मटेरियल टॉपिक्स के लिहाज से जो है वो ढूंढ के आपको करवाना है या चूज़ करना है, तो इसलिए फुल बुक जो, अगर 300 पेजेस की बुक है तो हो सकता है उसमें से हमें 20 पेजेस हमने देखने हो जो कि आपके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग मटेरियल हो, तो वो टीचर्स ही देख के आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी बुक जो है वो जो अवेलेबल होगी पाकिस्तान में, ख़ासतौर पे इंग्लिश की बुक सारी ऑक्सफोर्ड वगैरह की हैं, तो जो अवेलेबल होगी वो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन चूंकि अभी आप लोग घर में थे और ऑनलाइन सिलसिला चल रहा है, डिस्टेंट लर्निंग है, तो उसमें ये है कि आपको बुक बता के फिर आप और कन्फ्यूज़ हो जाएंगे।
इसलिए मैंने अभी आपको मिड में बुक किसी बुक के बारे में नहीं बताया। उसके बाद फाइनल में देखेंगे जो बुक अवेलेबल होगी और उसमें से कुछ ज़्यादा पोर्शन आपको करवाना होगा तो वो फिर आपको सजेस्ट किया जाएगा। ओके, मेरा ख्याल है ये पॉइंट तो क्लियर हो गया है, क्योंकि मुझे बार बार टेक्स्ट आ रहे हैं आप लोगों के मैसेजेस में यही पूछ रहे हैं कि हमें बुक्स बता दें। अब मैं आपको 5-6 बुक्स बता दूंगी तो आप वो कैसे आपकी समझ में आएंगी, जबकि हम आप लोगों को इजी वे में समझा रहे हैं और आपके लिए प्रॉब्लम हो रही है। और सबसे पहले जो जस्ट हैव अ लुक एट द पिक जो इस वक्त डिस्प्ले है, उसमें आपने आपका मिड सेमेस्टर में हर जो कोर्स है, यानी जो आपके 6 कोर्सेज हैं, हर कोर्स का 20 मार्क का पेपर होगा। आप इंग्लिश की तरफ आ जाएं, जैसे यही पैटर्न सेम पैटर्न जो इस वक्त डिस्प्ले पे है, यही वाला सब हर पेपर का होगा, इंग्लिश का भी यही सेम होगा। उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो पहले देख लें। देयर विल बी द 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 1 इज़ द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड द लास्ट इज ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्वेश्चन का आप ये मतलब नहीं समझें कि शायद आपने कोई ऐसे या मजमून लिखना है, यानी बिग क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप समझते हैं कि आपने पहले भी इंटर में भी ऑब्जेक्टिव जो है वो एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, कि उसमें MCQs भी हो सकते हैं, उसमें ट्रू फॉल्स का भी आ सकता है अंदर कोई क्वेश्चन, या मे बी समटाइम्स जो है वो कोई कुछ ऐसा पूछा जा सकता है कोई क्वेश्चन के उसमें आपने ब्लैंक फिल करनी है, इस तरह के क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव टाइप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ये भी आप समझ रहे होंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और उनके आपने आंसर्स ब्रीफली देने होंगे। और एक जो है वन क्वेश्चन जो है इट विल बी अब द बिग क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाले कॉलम पे आइए, नंबर 2, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कितने होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, टोटल 10 होंगे और वो उसमें ऑप्शंस दिए होंगे, ब्लैंक भी हो सकती है और मे बी देयर इज सम फिल इन द ब्लैंक है, या इट डिपेंड्स, ये तो आपको बाद में जो है वो अकॉर्डिंगली जिस तरह आपकी टीचर्स ने जैसे सेट किया होगा, क्योंकि ये कॉलेज में ही बनाया जाएगा और आपकी रेलिवेंट जो स्टाफ मेंबर है वो ही लेगा। तो 10 जो है उसमें ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, स्टेटमेंट्स आएंगी और ईच विल कैरी 0.5 मार्क्स ईच लिखा हुआ है। 0.5 मींस हाफ मार्क जो है एक स्टेटमेंट के होंगे और 10 हैं और मार्क्स कितने बने 5 मार्क्स। और उसके लिए टाइम जो है वो सेपरेट एलोकेट किया जाएगा कि आपको 10 मिनट, यानी आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन पेपर को आपने 10 मिनट में सॉल्व करना है, यानी आपका एवरी स्टेटमेंट विल हैव 1 मिनट, यानी आपने अगर 10 करने हैं तो आप 1 मिनट में आपने एक करना है और इसके 5 मार्क्स होंगे। और जिसका ज़ाहिर बात है जो आपका ठीक हो जाएगा, राइट होगा, तो उसके आपको फुल मार्क 5 मिल जाएंगे। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपने उनका आंसर टू द पॉइंट देना होगा और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं 4 हैं, यानी टोटल 4 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स ईच, यानी हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। ज़ाहिर है ब्रीफ आंसर आपने देना है और टोटल मार्क्स कितने बनेंगे 8। और उसके बाद जो है बिग क्वेश्चन जो है वो 1 आएगा और उसके 7 मार्क्स बनेंगे। और टाइम आप देख रहे हैं, मार्क्स तो क्लियर हो गए, 5, 8, 7, टोटल 20। और ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए 10 मिनट्स हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस और बिग क्वेश्चन उनके लिए जो है वो टोटल 60 मिनट्स रखे गए हैं, यानी 1 आवर। और टोटल टाइम जो है वो 1 आवर एंड 10 मिनट्स हैं और टोटल मार्क्स 20 हैं। सब पेपर्स में ऐसा ही होगा और यही इंग्लिश में होगा। अब इंग्लिश की बात, जहाँ तक आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, सेमेस्टर सिस्टम में यही होता है कि कोर्स तो ज़्यादा होता है लेकिन उस पर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एक्टिविटी बना के दे दी जाती है। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं उसमें जो है वो ऑप्शन
जो हैं वो आएंगे और यही जो आपने किया हुआ होगा इसी में से आएगा, और उसमें ये एनालिसिस आप जो मैंने आपको एनालिसिस ऑफ सेंटेंस कराया है या सेंटेंस टाइप्स कराई हैं, जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं आपको सैंपल के तौर पे बताती हूँ कि जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है और ऑप्शन में मे बी ये पूछा जाए कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या ये कंपाउंड सेंटेंस है, तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना आएगा, या मे बी जो स्टेटमेंट है वो जो है वो कोई वर्ड्स दिए हुए हैं और आपसे जो है आपने उसका आंसर में ये बताना है कि ये नाउन है, अगर कोई नाउन दिया हुआ है कि ये नाउन कौन सी टाइप का है, प्रॉपर नाउन है या फिर ये जो है वो मटेरियल नाउन है, इस तरह आपने डिफरेंशिएट करना है, एनालिसिस इस तरह करना है। और रट्टा लगाने का आपसे बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट और आइडिया जो है वो क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और इसी तरह शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं उसमें कोई डेफिनेशन आ सकती है, या फिर जैसे आपको मैंने करवाया था इस तरह पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज, और जो भी मैंने लेक्चर में आपको लेक्चर्स में बात की है उसमें से कोई आ सकता है कि जैसे एक स्टेटमेंट आपको दे दी जाए उसमें से आपने प्रेडिकेट और सब्जेक्ट सेपरेट करने हैं इस तरह, और या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, प्रोसेस क्या है, लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों में प्रोसेस भी आता है, उनकी डेफिनेशंस आती हैं, आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए, और ग्रामर की डेफिनेशंस आपको इसलिए पता होनी चाहिए ताकि आप आइडेंटिफाई करें, वरना डेफिनेशन नहीं हमने आपसे सुननी वहाँ पे। लेकिन आपको जो है वो मैं अब आपके लिए प्रिपेयर करूँगी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, अभी असल में खुद से भी आपके लिए पहले मटेरियल जो है वो ढूँढना और फिर उसको फाइंड आउट करके आप तक कन्वे करना कि क्या करवाना है क्या नहीं करवाना। तो टिल नाउ वी हैव कवर्ड टू स्किल्स ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, इंशाल्लाह माय नेक्स्ट लेक्चर्स विल बी अबाउट द रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज ए स्टूडेंट बिकॉज दीज आर दी रिटन एंड एकेडमिक स्किल्स, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं नेक्स्ट एक्टिविटीज़ के लिए, और लिसनिंग और स्पीकिंग को सिर्फ आपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है और इसमें डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक और बात जो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे करने वाली हूँ कि ऐसे टाइप क्वेश्चन जो वन आएगा और वही आपने करना होगा, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में बहुत कम चॉइस होती, बल्कि चॉइस होती ही नहीं है, स्पेशली मिड में तो बिल्कुल नहीं होती, और फाइनल का अभी यूनिवर्सिटी ने वो तो पेपर बनाना है, वो तो उन्हीं को पता होगा कि कैसा आएगा, वो बाद में वो बता देंगे ज़ाहिर है कुछ पैटर्न। तो ऐसे टाइप या बिग क्वेश्चन के लिए मैं जो आपसे कहूँगी, जिस जो असाइनमेंट दूँगी वो आपने तैयार करनी है। तो अभी आपने ये जो मैंने आपको जितने लेक्चर्स दिए हैं, एक तो आपने एनालिसिस सीखना है, आइडेंटिफाई करना, पहचानना सेंटेंसेस को कि ये कौन सी टाइप के हैं, और दूसरी चीज़ ये कि आपने स्पीकिंग और लिसनिंग को सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक आपको उनकी आनी चाहिए कि लिसनिंग कौन सी स्किल है, रिसेप्टिव है या प्रोडक्टिव है, और स्पीकिंग कौन सी है, इनकी डेफिनेशंस और प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग। तो मैं अभी आपके लिए जितने मैंने लेक्चर दिए हैं मैंने दोबारा सुने हैं, और उनमें से मैंने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स नोट करके उन पे मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी दूंगी, फिर आपको सैंपल भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के भी देंगे, और बिग क्वेश्चन के लिए आपको असाइनमेंट जो है वो दी जाएगी। तो अभी आपने बिग क्वेश्चन के लिए इनमें से तैयारी नहीं करनी, जैसा मैंने आपसे कहा है बस अब आपने उन चीज़ों को फोकस करना है। ओके, तो आज आपका ये था 20 मार्क का मिड के होंगे, और मार्च के लास्ट वीक में फिर आपका इसी सेमेस्टर का जब फाइनल होगा तो फिर उसके 70 मार्क्स होंगे, और 10 मार्क्स आपके असाइनमेंट्स एक्टिविटीज़ वो आपको हम बाद में बताएंगे। ओके, इट्स एनफ, आई थिंक यू विल बी ऑल ऑफ यू विल बी सेटिस्फाइड। तो बेटा आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है, बस इसको अच्छी तरह समझें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।